उतरिए गाड़ी से। सुपरस्टार विजय कुमार और आरटीओ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश की बीच जबरदस्त टक्कर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टारों की फिल्मों के बारे में, जिसमें शाहरुख खान की फिल्म पठान और अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी शामिल है। और आपको बताएंगे इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म का आज का कलेक्शन रहा ज्यादा, कौन सी फिल्म ने मारी आज बॉक्स ऑफिस पर बाजी, और कौन बना आज का बॉक्स ऑफिस का इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और कौन से सुपरस्टार की फिल्म बनी इंडिया की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कलेक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट इंडियन के साथ साथ साउथ नेपाल और वर्ल्ड वाइड फिल्मों के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहरुख खान की फिल्म पठान के बारे में। आपको बता दें पठान फिल्म में आपको शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और सलमान खान का भी काफी जबरदस्त केमियो देखने को मिला था। वहीं पठान फिल्म को 250 करोड़ रुपए के बिग बजट में बनाया गया, जिस वजह से फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 8,000 से भी ज्यादा स्क्रीन मिली। और इतने ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने की वजह से फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो फिल्म अपने पहले दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस से लेकर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी। लेकिन अगर पठान फिल्म के अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो पठान फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 33 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक पठान फिल्म अपने 33वें दिन यानी आज हिंदी बॉक्स ऑफिस पर संडे के दिन काफी जबरदस्त ग्रोथ पाते हुए 1,45,00,000 रुपए के आसपास कमाई कर रही। वहीं फिल्म का आज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 2,50,00,000 रुपए से ज्यादा रहेगा, जिस जैसे शाहरुख खान की फिल्म पठान का अभी तक का 33 दिनों का ऑफिशियल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 504,38,00,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु में सभी लैंग्वेज में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 526 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करेगी। वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी काफी ज्यादा कमाई करते हुए 1,017 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन कर लेगी। लेकिन अगर इस फिल्म से अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी का कंपेयर करें तो सेल्फी फिल्म को लेकर भी अक्षय कुमार के फैंस के साथ साथ इमरान हाशमी के फैंस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो सभी का मानना था सेल्फी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा तहलका मचा सकती है। लेकिन आपको बता दें अक्षय कुमार की फिल्म होने के बावजूद सेल्फी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी कम स्क्रीन पर रिलीज किया गया, जिस वजह से फिल्म को लेकर काफी कम वर्ड ऑफ माउथ रहा। वहीं फिल्म की स्टोरी लाइन काफी जबरदस्त होने की वजह से फिल्म को पब्लिक से लेकर क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार रिव्यू दिया। और अच्छा रिव्यू मिलने की वजह से माना जा रहा था फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर ऑफिशियली सिर्फ 2,55,00,000 रुपए की ओपनिंग की। वहीं फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में भी मामूली सी ग्रोथ देखी गई। वो फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर मामूली सी ग्रोथ पाते हुए 3,30,00,000 रुपए कमाए। लेकिन फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 3 दिन हो चुके हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक सेल्फी फिल्म अपने तीसरे दिन यानी आज संडे को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20-22% की ग्रोथ पाते हुए 4,20,00,000 रुपए के आसपास कमाई कर रही, जिससे सेल्फी फिल्म का 3 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10,05,00,000 रुपए के आसपास रहेगा। तो दोस्तों आज के कलेक्शन के मामले में तो अक्षय कुमार की फिल्म सेल्फी का कलेक्शन रहेगा ज्यादा, लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में शाहरुख खान की फिल्म पठान मारेगी बॉक्स ऑफिस पर बाजी, जिस वजह से आज के कलेक्शन के मामले में अक्षय कुमार बनेंगे बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े सुपरस्टार। लेकिन आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को कहानी वाइज कहोगे इंडिया की या बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म, और कौन से सुपरस्टार को कहोगे इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, शाहरुख खान को या अक्षय कुमार को, आपकी राय मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल कलेक्शन टेक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।